आज मैं बनाऊंगी चकली, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चावल साफ कर लिए हैं और ये है चना की दाल। तो इसके बाद में मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो जो है वो चना की दाल है। तो ये देखिए मैं चावल अच्छे से भून लिए हैं और इसके बाद में मैं चना की दाल भी भून लूँगी। तो ये देखिए, और इसको जो है वो भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। तो आज है थर्सडे और आज वसुबारस का दिन है, तो आप सबको वसुबारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी फैमिली की तरफ से। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो सवेरे से जो है वो काम चालू है। तो अभी जस्ट मैंने कपड़े धुल दिए अपने और कपड़े सुखाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से हाय हेलो कर लेती हूँ। और मनु के पापा जो है वो कल रात को आ चुके हैं और उन्होंने आधे टाइम बच्चों के लिए ये कुछ इसको क्या बोलते हैं क्रीम रोल का डिब्बा लाए थे। बच्चों ने पूरा खत्म कर दिया, ये देखिए इतना बड़ा था, तो क्रीम रोल लाए थे। चलिए सबसे पहले मैं अभी कपड़े जो मैंने धुल दिए हैं वो कपड़े में पहले डाल दूं और फिर उसके बाद में मुझे अभी खाना मेरा मतलब लंच बाकी है, तो आपको दिखाती हूँ कितना टाइम हुआ है। और अब तक ये आए नहीं है, कुछ काम से बाहर गए थे तो वो अभी तक आए नहीं है। उनकी राह देखते देखते ये देखिए 3:30 बज गए हैं। इस वजह से मैं अक्सर अकेले खाना खाती हूँ और आप लोगों को लगता होगा कि अकेले खाना खाती है, हस्बैंड इसके कभी ज़्यादातर दिखाई नहीं देते, तो यही रीज़न है। तो अभी जोरों की भूख लगी है, बस कपड़े जो है वो डाल दूँ पहले और फिर मैं इतना लंच करूँ। और बच्चे जो है वो अभी नीचे खेल रहे हैं दोनों। अभी जस्ट मैं ना उनको मतलब उनको मेकअप की इतनी ख्वाहिश होती है ना, उनको लगता है रोज़ मम्मा ने हमें मेकअप करने देना चाहिए, लेकिन मैं करने नहीं देती हूँ। स्किन फिर बच्चों की स्किन है ना तो ख़राब हो जाएगी इस वजह से। तो अभी कृष्णाली आई और मुझे बोली, मतलब इतना मुझे डांट के बोली, तुम कितना भी नहीं बोलो फिर भी हम लोग अभी मेकअप करने ही वाले हैं मम्मी मतलब ऐसे डांट के चली गई। तो बोला मैंने जाओ कर लो, मतलब मेकअप खेल रहे हैं बोले हम। चलिए कपड़े तो मैंने डाल दिए और आपको दिखाती हूँ वो दोनों कहाँ पे बैठी है अपना मेकअप कर रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ और ये देखिए वहाँ पे नेल पेंट लगे गई है, उनके पापा ने उनको है ना नई सैंडल्स वगैरह लाई है, तो उस पर जो है वो मेकअप कर रही है। हाय करण बाड़ा, कॉम्पैक्ट है, नेल पेंट है, सब कुछ ले लिया तो चलिए सबसे पहले लंच कर लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है। और लंच में मैंने जो है वो आज बनाया है गोभी टमाटर की सब्जी है, रोटी और एक बनाना ले लिया। और बच्चों को पूछा मैंने, बच्चे बोले मम्मी अभी भूख नहीं हमें, क्योंकि बच्चों का जो मैंने कल शंकरपाड़ा वगैरह बनाया ना वो सवेरे से खाना चालू है और अभी जो उन्होंने जस्ट बनाना वगैरह भी खा लिया, तो बोले मम्मा हमें भूख नहीं अभी। तो चलिए अभी अकेले लंच कर लेती हूँ, आप सब लोग भी आइएगा। थोड़ा सा अलग मसाला मैंने आज इस्तेमाल किया सब्जी को, इसलिए टेस्ट देख रही थी, लेकिन अच्छी है। तो ये देखिए जो मैंने चकली का सपेरे भून के रखा था ना, तो दाल और चावल को जो है मैंने मिक्स कर लिया है।
अभी हमारे घर के सामने की चक्की जो है वो हाँ तो मैंने बस मनु को वही पूछने के लिए भेजा था। पीस के दोगे क्या अभी के अभी? तो हाँ बोली वो दीदी जो है। तो चलिए अभी इसको लेके जाती हूँ और फिर मुझे जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि अभी मेरी देरानी जो है वो आई थी तो चकली नीचे की बनवानी है। तो मम्मी ने लाए हैं जो रेडीमेड वाले पैकेट मिलते हैं, अब बेल करके लाए हैं। तो इस बार मैं रेडीमेड आटे की नहीं बनवा रही हूँ चकली। मैंने सोचा चलो इस तरीके से बना के देखती हूँ कुछ अलग। तो मैं ऐसे बनाऊंगी, रात के टाइम में बनाऊंगी और मैं फिर इसको जो है वो आपको अगले के नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से चकली बनी है। और अभी जाऊंगी मैं नीचे की तरफ, उसके लिए जो है वो मैंने ये जो साँचा होता है जो जिससे हम करते हैं चकली, तो उसको साफ कर लिया है। और चलिए जाती हूँ नीचे। पहले तो मैं जाऊंगी आटा पीसने के लिए, तो वहाँ पे रख के आ जाऊंगी फिर से और फिर नीचे की तरफ मैं चकली बनाती हूँ और फिर दोबारा से आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए हमारी बजरंग बली और ये एक दूसरी बजरंग बली। चलो तो आज वसुबारस है तो इस वजह से गाय को जो है वो नैवेद्य दिया जाता है। तो ये मैंने छोटे छोटे दो रोटियां बना ली है, उसमें मैंने गोभी की जो सब्जी बनाई है वो डाली है और इसमें अभी रखूंगी मैं थोड़ा सा गुड़। तो गुड़ और ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। तो इसका नैवेद्य जो है वो मैं शाम के टाइम में गाय को दूंगी। तो इसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। तो पिछले साल में मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा था, मैंने ये गाय को दिया नहीं था तो इस वजह से। तो बताती हूँ आपको, तो पिछले साल क्या हुआ था ना कि मतलब सवेरे से मेरे मन में था, आज तो मैंने सवेरे भी दे दिया गाय को, दो रोटियां थी तो वो दे दिया, गाय के पैरों पे पानी डाला, उसकी वैसे ही पूजा कर ली। तो सवेरे के मतलब पिछले साल मैंने सवेरे से मेरे मन में था कि मुझे गाय को भोग लगाना है, गाय को जो है वो रोटी देनी है, लेकिन मैंने दी नहीं। तो शाम के टाइम में ना एक गाय हमारे दरवाजे पे मतलब गेट के बाहर बैठी थी, तो कभी भी बैठती नहीं है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि गाय बैठी है, वैसे आती जाती है लेकिन बैठी कभी नहीं थी। तो बैठी थी तो शाम के टाइम में मैंने 6-7 बज रहे होंगे, अभी जो है अंधेरा जल्दी पड़ जाता है ना, तो अंधेरा पड़ गया था तो वो देखा मैंने, मुझे ऐसा लगा मैंने आज इसको इसकी पूजा नहीं की है, मैंने गाय की रोटी नहीं दी है, तो वो राह देख रही है मेरी। तो बस मैं फिर रोटी वगैरह लेके जो है वो गाय को दे दिया मैंने। तो मुझे मतलब ऐसा फीलिंग हुआ जो मतलब हम अगर माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दिया नहीं मैंने तो वो गाय मेरी राह देख रही थी मुझे इतना। और हम हिंदुओं में ऐसा होता है गाय में जो है वो सभी देवताएं बसते हैं, तो वो मेरे राह देख रहे थे ऐसा लगा मुझे। और कपिला गाय थी वो, मतलब पूरी एक तरह की एक ही कलर की गाय थी, उस पर ब्राउनी कलर की गाय थी। तो माता होती है, बहुत अच्छा लगा मुझे फीलिंग। तो इस वजह से मैंने इस बार तो जो है वो तब से मैंने ऐसा मन में ठान लिया है कि मैं हर साल जो है वो गाय को ज़रूर से भोग लगाऊंगी, कभी भी चूकूंगी नहीं मेरे अपने इस रूटीन में, इस काम में। तो चलिए आइए इसी के साथ, तो यही था मेरा आज का वसुबारस का व्लॉग जो है। और आजकल है ना मेरा बिल्कुल भी साड़ी को पिनअप करने का मन नहीं होता, मैं वैसे ही रख देती हूँ। ये देखिए पिन ही नहीं लगाई है, वैसे ही रखी है। और ऐसे करके फिर मैं वैसे काम कर लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और गाय को जब मैं रोटी लगाऊंगी मतलब नैवेद्य चढ़ाऊंगी तो वो
क्लिप में आपको ज़रूर डालूंगी, तो वो देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नया कुछ लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, बाय, हैप्पी वसुबारस, बाय। तो ये होती है वसुबारस, और देखिए मेरी मनु अभी गाय को कर रही है। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं गाय और बछड़े दोनों को मैं ऐसे तरीके से कराऊं। तो बछड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा वाला है, लेकिन है बछड़ा ही है और ये गाय है। चलो दुकान को देना, हाँ देना तो, हाँ हाँ कहीं ना। तो चलिए हो गई हमारी वसुबारस, सरकना बड़ा, हाँ बोलो। आपको झूठ लगा होगा, लेकिन ये देखिए 10 मिनट से मैंने उनको रोटी दे दी है, फिर भी गाय जो है वो यहीं पे खड़ी है। बड़ा प्यारा लगता है, जो रीज़न मैंने आपको बताया ना, तो हट ही नहीं रही है।